तो हेलो गाइस, इधर कैसे हैं आप सब लोग। यार आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो मतलब यार आज की वीडियो में आपको कुछ क्विक अपडेट्स देने हैं, मतलब जो आने वाले अपडेट्स हैं बहुत जरूरी अपडेट्स हैं। मतलब टाउन हॉल 11 12 13 के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो यहाँ पे सुपर विजर्ड यूज करते हैं, मतलब ब्लिज़र्ड लालो यहाँ पे करते हैं मेनली, टाउन 13 वाले बंदे यार यहाँ पे बहुत एक्टिव रहे। इस पूरी वीडियो को देखें, जो भी टाउन 13 11 12 वाले तो पूरा ही देखें, बाकी लोग भी देखें क्योंकि उनको भी पता लगना चाहिए अपडेट क्या है क्या नहीं। तो आने वाले दिनों में मतलब कुछ एक हफ्ते के बाद मतलब सुपर सेल ने खुद ही बताया ये अपडेट, कुछ यहाँ पे लीक्स नहीं है। तो ऑफिशियल अपडेट आया है मतलब सुपर सेल की तरफ से न्यूज़ सेक्शन में, आप देख सकते हो। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्या है इसमें। इसमें क्या है यार, मतलब आपको पता होगा कि ब्लिज़र्ड लालो काफ़ी ज़्यादा ओपी स्ट्रेटजी बन चुकी है, मतलब किसी भी बेस को उड़ाने का दम रखती है आजकल ब्लिज़र्ड लालो। और हमने इसी के लिए सोचा था कि चलो कुछ एंटी बेसिस लाएंगे जिसमें थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस होगा, यहाँ पे ब्लिज़र्ड यहाँ पे ज़्यादा काम कर नहीं पाएगा। लेकिन उससे पहले ही सुपर सेल ने इसका तोड़ निकाल दिया, मतलब इसको नर्फ कर दिया सुपर यहाँ पे जो अपने सुपर विजर्ड होते हैं। तो उसमें क्या हुआ यार, मतलब जैसे सुपर विजर्ड हमने डाल दिए तो उसकी जो चेन डैमेज होती है, जैसे अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन की चेन डैमेज होती है, तो मान लो सबसे फर्स्ट हिट उसने लगाई एक्सबो को, सेकंड हिट उसने लगाई यहाँ पे स्वीपर को। सेकंड हिट की वैसे डैमेज रहती है 60%, मतलब फर्स्ट हिट के 60% रहती है, मतलब फर्स्ट हिट में 100% है तो सेकंड हिट में 60% रहती है। तो उसको कम करके यहाँ पे कर दिया गया 40%, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा मेनली टाउन 12 और 13 पे। 11 पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा क्योंकि 11 पे ज़्यादा वैल्यू चाहिए नहीं होती है, मतलब थोड़ी सी वैल्यू मिलते ही मतलब अपने को ईगल मिल गई तो चलो काम खत्म हो जाता है। तो ये मेनली दिक्कत होगी टाउन 12 और 13 वालों को। तो ये एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपडेट है कि मतलब ब्लिज़र्ड लालो बहुत कम, मतलब कम हो जाएगा, बहुत कम नहीं, कम होगा बहुत पहले से यार। मतलब जितने लोग हम देखेंगे ना कि अब पुशिंग वगैरह में ये स्ट्रेटजी बहुत कम यूज़ होगी, वॉर्स वगैरह में, टूर्नामेंट्स वगैरह में। और उसके बाद नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट है कि यहाँ पे जो अपने सुपर आर्चर्स हैं, तो वो आपको पता होगा कि उनके यहाँ पे डैमेज देख लो यार, पहले आपको दिखाता हूँ बैलेंसिंग चेंजेस वगैरह जो भी है। तो जो सुपर आर्चर्स हैं तो आप देख सकते हो कि उनका यहाँ पे जो यहाँ पे एचपी है वो मतलब जो लेवल 9 की सुपर आर्चर है, जो मतलब मैक्स सुपर आर्चर होती है, तो 500 से 510 कर दी गई है। और बॉम्ब लेवल जो लेवल मतलब छोटे छोटे बॉम्ब होते हैं, कहाँ गए भाई मेरे बॉम्ब, ये रहा भाई बॉम्ब, आप देख सकते हो मैं हिलाऊंगा नहीं इसको ज़्यादा, बॉम्ब ये रहा अपना। तो इसकी यहाँ पे डैमेज मतलब मैक्स शायद मैक्स ही होगा जिसकी डैमेज यहाँ पे बढ़ाई गई है, तो मैक्स की डैमेज यहाँ पे 112 से 125 हो गया। हाँ भाई लेवल 9 का मैक्स है तो 112 से 125 हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देख मतलब जैसे हमने यहाँ पे मतलब टाउन 13 का बेस लगा के चलो, ये यहाँ पे ब्लिज़र्ड यहाँ पे आ गए, मतलब सुपर ब्लिज़र्ड आ गए मतलब ब्लिम्प से, तो एक जाइंट बॉम्ब निकल आया और वहाँ से एक यहाँ पे छोटा बॉम्ब निकल आया, तो सभी के सभी ब्लिज़र्ड वहाँ पे गायब हो जाएंगे। मतलब ये इसका मेन टारगेट है, ताकि यार मतलब एक टाइप के ब्लिज़र्ड को बहुत बुरी तरह नर्फ कर दिया गया है। अब बंदे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे भी आपको मतलब देखेंगे यार बंदे बेस के हिसाब से, जहाँ पे मस्त ब्लिज़र्ड वैल्यू मिलेगी वहीं पे ऐसा कुछ होगा, ताकि यहाँ पे जो सुपर विजर्ड हैं वो मर जाएं और ज़्यादा दिक्कत कर दें अटैक में। और एक और अपडेट आया कि यार जो वार्डन है वो अब से फॉलो करेगा, मतलब प्रायोरिटी रहेगी कि लॉग लॉन्चर और बैटल लिम को फॉलो करेगा। प्रायोरिटी देखा आपको पढ़ के बता देता हूँ, एडजस्ट वार्डन प्रायोरिटी टू फॉलो लॉग लॉन्चर एंड बैटल लिम टू रिड्यूस द चांस ऑफ हिम फॉलोइंग देम इन अ डेडली रन टूवर्ड्स द टाउन हॉल। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सही किया गया, बाकी कुछ ज़्यादा खास है नहीं। और यहाँ पे इवेंट्स वगैरह देख लो, विच स्लैप है, मेटल मिलिशिया जो भी है, कुछ तो इवेंट्स वैली चल रहे हैं, तो ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो बस मेन वीडियो थी अपनी कि यार कुछ आपको अपडेट्स के बारे में बताना था, कई लोगों ने देखे नहीं होंगे इस, मतलब मैंने भी यार मतलब थोड़ा टाइम पहले देखा तो सोचा एक वीडियो बना दें इसके ऊपर, ताकि काफ़ी लोगों ने जहाँ पे न्यूज़ सेक्शन पे ध्यान दिया नहीं होगा, जब यहाँ पे एक मतलब थोड़ा टाइम पहले अपडेट्स आया था कुछ यार, आई थिंक तो कल या परसों आया था, हाँ परसों आया था मेरे को लग रहा है, हाँ उस दिन अपडेट आया था। तो उस दिन काफ़ी लोगों को शायद पता नहीं लगा होगा कि अपडेट में आया क्या, क्योंकि यार ये कुछ ऑप्शनल अपडेट्स टाइप होते हैं तो उसमें ज़्यादा पता लगता नहीं है। और हाँ यार आपको बस वीडियो वैसे यहीं तक आपसे कुछ पूछना था कि यार लाइव स्ट्रीम में सोच रहा हूँ संडे को देखते हैं, कि अगर संडे को कोई टूर्नामेंट मैच ना हुआ, मतलब कुछ 1v1 या कोई भी टूर्नामेंट मैच ना हुआ, तो संडे को देखते हैं लाइव आएंगे। काफ़ी दिन हो गया यार लाइव नहीं आए, कुछ फार्मिंग या बेस फिल्टिंग जो भी होगा यार कर लेंगे। ट्रॉफी पुशिंग तो अभी नहीं है, कोई चांस नहीं है, बिल्कुल मन भी नहीं है। ट्रॉफी पुश वॉर के अटैक्स देख लेंगे, किसी वॉर वगैरह में हुए हम उस दिन तो वो भी देख लेंगे। तो बस यार आपसे यही, आप कमेंट सेक्शन में बता देना यार क्या करना है, ठीक है। बस आज की वीडियो को यार इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए खेलते रहे क्लैश ऑफ क्लैंस, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।